नमस्कार किसान भाइयों, नमस्ते। नमस्ते। मैं ललित रघुवंशी नेशनल सीड्स से आया हूँ। जो हाइब्रिड जो हमारा मक्का आता है, हैदराबाद की एक कंपनी है नेशनल सीड्स 9140। हमारे साथ किसान यहाँ पर बैठे हैं मोहित रघुवंशी, जो कि एक प्रगतिशील किसान भी है और अच्छी उन्नत खेती करते हैं। और इन्हीं ने हमारा मक्का लगाया था नेशनल सीड्स का 9140, जो कि हमने इनके यहाँ एक प्रोग्राम भी किया था बड़ा। और हमने इनसे बोला था कि जब आप मक्का की थ्रेसिंग करेंगे और जब आपकी मक्का वहां पर तौली जाएगी तब भी हम आपसे आके मिलेंगे। आज हम इनके पास आए, इनकी मक्का की थ्रेसिंग हो चुकी है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। श्रीमान जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहित रघुवंशी है, जी मैं ग्राम खैरघाट में रहता हूँ। जी आपने कौन सा मक्का लगाया था? 9140। जी 9140। जब आपने मक्का लगाया था तो इसमें आपको क्या विशेषताएं लगी अन्य मक्का की अपेक्षा? इसमें तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसके जो रंग का कलर रहता है, मतलब वो नारंगी रहता है, और इसमें डबल लेयर उसके जो जड़ तंत्र रहता है जी उसका डबल लेयर, इससे इसका पौधा मजबूत रहता है और ये गिरता नहीं है, इसका पौधा जो रहता है। जी और इसकी जो छोई रहती है वो बारीक रहती है, बाकी मतलब जो बाकी वैरायटी की अपेक्षा इसकी जो छोई है वो बारीक रहती है, जी और इसकी छोई का वजन लगभग 25 से 30 ग्राम आता है। लगभग। लगभग और भुट्टे का वजन जो हमने तोला था वो कितना आया था लगभग? भुट्टे का ग्राम, मतलब जो वजन है उसका सिर्फ दाने दाने का आया है 280 ग्राम। जी। और अगर एक अनुमान अपन एवरेज लगाएं तो किसान भाइयों को आप हमारे बताइए कि आपकी मक्का का जो एवरेज है प्रति एकड़ कितना आएगा लगभग वो लगभग लगभग 25 से 30 क्विंटल पर एकड़। का एवरेज आएगा? तो किसान भाइयों को आप नेशनल सीड 9140 मक्का लगाने के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो वैरायटी है 9140, ये सभी वैरायटी से अच्छी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और ये जो मक्का है इसका मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इस साल। जी तो किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग ये मक्का को अधिक से अधिक संख्या में लगाएं। तो ये थे हमारे साथ मोहित रघुवंशी जी, खैरघाट के किसान। इन्होंने हमसे बात की, इन्होंने सारी जानकारी 9140 के बारे में खुद इन्होंने आपको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्ते।